हेलो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा होता है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शंस डिरेक्शन ऑफ़ द रिजल्टेंट ऑफ़ द टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल बिटवीन देम सो so, ये एक वेक्टर है ए ये एक वेक्टर है बी और इसका एंग एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स आर थीटा सो लेट ओ पी एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स ए एंड बी ओके सो मेकिंग एन एंगल थीटा देन यूजिंग द पैरालेलोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ओ एस रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर सो यहाँ से ये पैरालेलोग्राम फॉर्म हो जा, हो जाएगा सो so, ये पूरा एक पैरालेलोग्राम हो जाएगा ओके okay? सो so, इस पैरालेलोग्राम का जो डायगोनल होगा ओ एस है ये ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब जो आर वेक्टर है ओके सो आर इक्वल टू ए प्लस बी सो एस एन इज़ नॉर्मल टू ओ पी ये जो एस एन है ये ओ पी के ऊपर नॉर्मल है ओके एंड पी एम इज़ नॉर्मल टू ओ एस सो पी एम है ओ एस के ऊपर नॉर्मल सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर सो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर ओके सो ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल ओके ये है इसका बेस और ये है इसका पार्पेंडिकुलर और ये है हाइपोटीनिया सो ओ अकॉर्डिंग टू पीठागोरस थियोरम सो हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर ओ एन इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन ओ एन इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन और ओ पी है ए और पी एन है बी थीटा क्योंकि ये है ये है बी ओके ओ क्यू है बी सो ये पी एस बी है बी पी एस है बी सो so, ये है बी पी एन है बी थीटा और एस एन है बी साइन थीटा सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी एन के जगह बी थीटा और एस एन है बी साइन थीटा सो ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ एन मतलब ओ पी प्लस पी एन सो ओ पी है ए और पी एन है बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस एस एन है बी साइन थीटा ओके बी साइन थीटा एस एन सो इसको इससे हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस्क्वायर थीटा और यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सो यहाँ से मिलेगा एस्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉस्क्वायर थीटा कॉमन गया सो so फाइनली आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी थीटा ओके सो आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी थीटा सो फाइनली हमें ये ऐसे मैग्नीटूड मिलेगा और इन ट्राइंगल ओ एस एन एन एस साइन अल्फा आर साइन अल्फा ट्राइंगल ओएस एन ट्राइंगल है ओ एस एन इसमें ये है आल्फा ओके okay. सो एस एन होगा ये आर साइन अल्फा या ओ एस साइन अल्फा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनियस है तो एस एन इक्वल टू आर साइन आल्फा ओके ए सीन इक्वल टू आर साइन आल्फा एंड इन ट्राइंगल ओ पी एस एन ए सिक्वल टू पी एस साइन थीटा ट्राइंगल पी एस एन ट्राइंगल है अभी पी एस एन में एस एन इक्वल टू पी एस साइन थीटा एस एन इक्वल टू पी एस पी एस मतलब बी पी एस मतलब बी साइन थीटा सो बी साइन थीटा इज इक्वल टू एस एन और आर साइन अल्फा इज इक्वल टू एस एन सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओके सो पी साइन एस एन है आर साइन अल्फा और एस एन है बी साइन थीटा ओके एस एन है यहाँ से इस ट्राइंगल से यह है बी यह है आर सो यह है थीटा यह है अल्फा सो बी साइन थीटा है एस uh, एन और uh, आर साइन अल्फा है एस एन ओके सो हम लिख सकते हैं आर साइन अल्फा इक्वल टू तो बी साइन थीटा सो so, यहाँ से हम लिख सकते हैं आर बाई साइन थीटा इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा सिमिलरली पी एम से मिलेगा ए साइन अल्फा और बी साइन बीटा पी एम ये जो है पी एम पी एम है uh, एम से मिलेगा ए पी एम इक्वल टू ए साइन अल्फा और बी साइन यह 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 बीटा पीएम है ये है ए ये पीएम होगा ए साइन अल्फा और ये है बीटा ओके सो ये होगा बी साइन बीटा सो पीएम इक्वल टू ए साइन अल्फा बी साइन बीटा सो एक्चुअली अल्फा है आर और ए के बीच एंगल और बीटा है बी बीटा है बी बी और आर के बीच एंगल, सो पी एम होगा ए साइन अल्फा और पीएम होगा बी साइन बीटा ओके सो ए साइन अल्फा, बी साइन बीटा सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बाई साइन बीटा बी बाई साइन अल्फा और पहले हमें मिला था बी बी बाई साइन अल्फा इक्वल टू आर बाई साइन थीटा सो फाइनली ये तीनों मिला कि यहाँ से दो ये दो तीन सो तीन आर बाई साइन थीटा ए बाई साइन बीटा बी बाई साइन अल्फा सो साइन अल्फाइक्ल टू ओके साइन अल्फाइकल टू बी बाई आर इंटू साइन थीटा मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन अल्फाइक्वल टू बी बाई आर साइन थीटा और टेन अल्फाइक्ल टू एस एन बाई ओ पी प्लस पी एन सो इक्वल टू बी साइन थीटा एस एन की जगह हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा और ओ पी है ए और पी एन है बी थीटा सो आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी कॉस्थीटा ये तो मैं पहले ही निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टन वेक्टर ओके सो ये है गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टन वेक्टर आर एंड इज नोन एज द लॉ ऑफ कोसाइंस और ये आर बाई साइन थीटा ए बाई साइन बीटा बी बाई साइन एल्फा ये है ये वाला, इसको बोला जाता है लॉज ऑफ साइंस सो ये है लॉज ऑफ कोसाइंस और ये है लॉज ऑफ साइंस पोजिशन वेक्टर एंड डिसप्लेसमेंट द पोजिशन वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल पी लोकेटेड इन ए प्लेन विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एन एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम इज गिवन बाय सो पोजिशन वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल पी लोकेटेड इन ए प्लेन विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एन एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम इज़ गिवेन बै आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे वाई जे वेर एक्स एंड वाई आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर एंड एलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस ओके और सिंपली दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सो यहाँ पे ये यह है आर ओके ये आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे ओके ये आर वेक्टर को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो so, अभी हम पोजिशन भिक्टर और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे सपोज ए पार्टिकल मूव्स एलोंग द कार्व ओके ये कार्व है ये पार्टिकल मूव्स एलोंग द कार्व शोन बाय द थिक लाइन एंड इज एट पी एट टाइम टी एंड पी प्राइम एट टाइम प्री प्राइम सो पार्टिकल मूव्स एलोंग द पाथ ओके इस पाथ से एक आर्टिकल पार्टिकल मूव कर रहा है सो एट टाइम टी ये पार्टिकल है पोजीशन पी पे और एट टाइम टी प्राइम पार्टिकल का पोजीशन है पी प्राइम ये ओके सो देन द डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर सो ओके और जब पी पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर सपोज आर ओके okay. ये पोजीशन वेक्टर है आर जब पी पे था एट टाइम टी सो इसका पोजीशन है आर ओके पोजीशन वेक्टर है आर और जब पी प्राइम पे था एट टाइम टी प्राइम सो इसका पोजीशन वेक्टर है आर प्राइम ओके सो जब पी से पी प्राइम तक गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सो so, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर सो डेल्टा आर इक्वल टू क्या है पोजीशन वेक्टर आर प्राइम माइनस पोजीशन वेक्टर आर ओके एंड इज डिरेक्टेड फ्रॉम पी टू पी प्राइम सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर सो डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं आर प्राइम माइनस आर सो जैसे पहले अभी डिस्कस किया था आर को हम लिख सकते एज इट्स कॉम्पोनेंट्स में सो so, इसको हम लिख सकते एक्स आई प्लस वाई जे सिमिलरली हम आर प्राइम को लिख सकते एक्स प्राइम आई प्लस वाई प्राइम जे जहाँ पे एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम है इट्स का कॉम्पोनेंट एलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस सिमिलरली एक आर को भी लिख सकते एक्स आई प्लस वाई जे ओके okay. इसको लिख सकते हैं एक्स प्राइम आई प्लस वाई प्राइम जे और आर को लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे सो इस यहाँ से हम इसको लेफ्ट साइड में लेके कर आई को कॉमन लिख सकते हैं ओके सो फाइनली ये डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स क्या होगा ये जो माइनस पार्ट है माइनस एक्स आई ओके okay. इसको हम इसमें इसके बाद लिखेंगे एक्स प्राइम आई के बाद लिखेंगे माइनस एक्स आई सो आई कॉमन चला जाएगा तो ब्रैकेट में होगा एक्स प्राइम माइनस एक्स वही है एक्स प्राइम माइनस एक्स है डेल्टा एक्स सिमिलरली इसको राइट साइड में लेंगे तो यहाँ से जे कॉमन चला जाएगा तो फाइनली ब्रैकेट में होगा वाई प्राइम माइनस वाई सो वाई प्राइम माइनस वाई है डेल्टा वाई और जे कॉमन चला जाएगा ओके सो यहाँ पे हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं सो वेयर एक्स है एक्स प्राइम माइनस एक्स और डेल्टा एक्स है एक्स प्राइम माइनस एक्स और डेल्टा वाई है वाई प्राइम माइनस वाई अभी हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी सो द एवरेज वेलोसिटी वी बार ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल सो वी बार इक्वल टू डेल्टा आर सो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया डेल्टा आर से ओके okay, ये पोजिशन वेक्टर है ये पोजिशन वेक्टर आर प्राइम माइनस पोजिशन वेक्टर आर है डेल्टा आर सो भी बार इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी और डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे ओके डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे डिवाइडेड बाई डेल्टा टी सो आई इक्वल टू आई इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और जे इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी सो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं वी एक्स बार और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को लेख सकते हैं वी वाई बार सिंस भी सिंस वी बार इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी द डिरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी सो ये है एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ द आर डेल्टा आर सो डेल्टा आर का जो डिरेक्शन है ये वेक्टर है इसका जो डिरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी वी बार का भी डिरेक्शन सेम होगा द ओके सो ये है एवरेज वेलोसिटी द वेलोसिटी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाई द लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओके एज द टाइम इंटरवेल अप्रोचेज ज़ीरो सो इंस्टेंटेनियस वैल्यूसिटी क्या होता है इज गिवन बाई द लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ़ एवरेज वैलोसिटी एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यूसिटी को हम अगर लिमिट limit करते लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यूसिटी एज द टाइम इंटरवेल अप्रोच टू ज़ीरो सो ये है एवरेज वैल्यूसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी सो इसमें टाइम इंटरवेल को हम अगर ज़ीरो कर दे अप्रोचेज टू ज़ीरो ओके तब जो वेलोसिटी होगा वो होगा उससे हमें मिलेगा इंस्टेंटीनियस वेलोसिटी ओके इसको लिमिट कर देते लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो सो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी सो इसी को हम लिख सकते डी आर बाई डी टी सो एज डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा आर टेंस टू ज़ीरो एंड इसलॉन्ग द टैंजेंट टू द पाथ ओके okay. एक्चुअली यहाँ पे डेल्टा आर जब डेल्टा टी ज़ीरो टेंस टू ज़ीरो होगा सो डेल्टा आर भी टेंस टू ज़ीरो होगा सो यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट है अभी पी से पी प्राइम तक सो ये डेल्टा आर है सो अगर डेल्टा टे, टी टेंस टू जीरो है तो ये पी प्राइम का भी वैल्यू और क्लोज़ होता जाएगा पी के ओके okay. और धीरे धीरे क्लोज होता जाएगा क्योंकि जब डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो सो डेल्टा आर टेंस टू भी ज़ीरो होगा ओके सो तो फाइनली ये पॉइंट पी मिलेगा ओके इस इस पॉइंट में डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो है ओके सो तो डेल्टा आर टेंस टू ज़ीरो सो इस पॉइंट में हमें अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें सो तो पी प्राइम इसके पी के क्लोज आता जाएगा फाइनली जब इसके साथ ऑलो ये हो जाएगा डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो सो डेल्टा आर टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा आर क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक सो डेल्टा आर टेंस टू जीरो हो जाएगा तो ये पी पॉइंट एक मिल जाएगा ओके पी प्राइम यहाँ पे आ जाएगा तो फाइनली ये इस पॉइंट पे ऐसा दिखेगा ओके okay? सो so ये पी पॉइंट पे हम अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे सो हमें इसमें इस पॉइंट इस पे वेलोसिटी मिल जाएगा सो so ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सो दे आर फॉर द डिरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज इन द डेक्शन ऑफ द मोशन सो एक्चुअली डिरेक्शन ऑफ द मोशन तो यही है सो so यहाँ पे वेलोसिटी का डिरेक्शन इस पॉइंट पे इस तरह का होगा जब हम इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे एक अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सो ओके सो टेंजेंट का डिरेक्शन ही है वेलोसिटी का डिरेक्शन पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज इन द डिरेक्शन ऑफ द मोशन सो वी कैन एक्सप्रेस भी इन ए कॉम्पोनेंट फॉर्म भी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी सो लिमिट ऑफ सो so, ये है इंस्टेंटीनियस वेलोसिटी जो भी आर मिला ये था एवरेज वेलोसिटी और ये है इंस्टेंटिनियस सो इंस्टेंटीनियस वेलोसिटी में डी आर बाई डी टी सो इसको हम लिख सकते हैं डी आर लिमिट ऑफ टी टेंस टू जीरो आर ओके क्योंकि आर है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी डेल्टा आर है डेल्टा एक्स आई ओके okay. सो so, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो पोजीशन वेक्टर हमने डिस्कस किया था ओके आई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वाई सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी आर डी टी इज इक्ल टू लिमिट ऑफ टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे सो यहाँ से आई एक्स को हम निकाल के लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो सो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और यहाँ से लिख सकते हैं जे लिमिट ऑफ डेल्टा टीज टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी सो so फाइनली हम लिख सकते हैं आई और ये तो है डी एक्स डी टी और ये है डी ए वाई डी टी ओके ये है डी वाई डी टी सो इसको हम लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे सो वी एक्स है डी एक्स डी टी और वी वाई है डी वाई डी टी सोम द मैग्नीट्यूड ऑफ भी इज देन भी इज गल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड द डिक्शन ऑफ द वी इज गिवन बाई द एंगल थीटा सो थीटा इज गल टू वी वाई बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स सो so, इसको अगर हम ग्राफिकली ऐसे दिखाएंगे तो ये एक्चुअली मोशन है पाथ है तो इस पॉइंट में वेलोसिटी का डिरेक्शन ये है तो इसका कॉम्पोनेंट है ये एक है कॉम्पोनेंट ओके okay, और ये है दूसरा कॉम्पोनेंट ओके वी वाई